पूरा नाइफ इसके अंदर घुस गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग, बताना आई हो बच्चे हो गए। और आज का वीडियो देख के पता चला होगा कहाँ है, तो मम्मी का घर में आए हैं क्योंकि आज था पूजा और मम्मी रखी थी सावन में सोमवार का शिव चर्चा। तो आज महीना का चौथा सोमवार है ना, आज पूरा सावन का चौथा सोमवार है। मेरा घर में पूजा हो गया, उसके बाद यहाँ आए मम्मी की बहुत एकदम अच्छे से धूमधाम से पूजा, जिसका वीडियो आप लोग इसके बाद देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। मायरा का भी रिएक्शन क्या था इस पूजा में, मतलब अचानक से उसका नानी घर भर गया, आदमी से भर गया पूरा एकदम, लेडीज लोग से भर गया, तो उसका रिएक्शन क्या था वो भी देखने मिलेगा। और कैसे कैसे पूजा हुआ थोड़ा बहुत क्लिप है वो भी देखो, और कुछ कुछ मिसिंग कर दिए बहुत सारा। सबको लास्ट में चाय पिलाया जाता है, तो वो चाय का सीन मिस हो गया मेरे से, फ़ोन मेरा साइड में था और हम पूरा भींग भींग के नहा लिए थे, तो वो सीन मिस हो गया। फिर कुछ कुछ सीन मिस हो गया और बाकी का है तो आप लोग देखो अच्छा लगेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे मम्मी की तरह कॉन्फर्म किया है शिव चर्चा अब तक बताओ, जैसे मेरा मम्मी करती, हम नहीं, हम शिव भोले का पूजा करते हैं। नाम घोषणा करा है, हम थोड़ी ना जानते हैं, हम नहीं जानते तो कैसे, सबका चारों का सबका दिखा लिए। और अभी हम आए थे सोचे थे कि यहाँ से निकलेंगे, अमायरा को दिखाएंगे थोड़ा डॉक्टर, क्योंकि अमायरा का जो ठंडा लगा वो आ रहा जा रहा जब मन कर रहा है गेस्ट के तरह उसके अंदर बैठ गया है, मुझे दिखा लेना ज़रूरी है क्योंकि कोई एंटीबायोटिक देगा तो ठीक हो जाएगा। तो इतना बारिश हो रहा है अचानक से बादल भी आवाज़ कर रहा है, क्या निकलेंगे अभी समझ नहीं आ रहा, सोच रहे यहाँ से निकल के खड़ी जाए। अब मेरा पापा यहाँ पर इंतजाम कर रहे पूरी पूरी छानने का, पापा चले ना वैसे करके बस हाथ में खाए वाला चीज है बहुत सारा अरे अभी हंसी देखो उसका खुशी है क्या लाया ना, तो बैग नहीं है अभी, घर के लिए बैग में है आपका, अभी चीटिंग मत कीजिए, बारिश एकदम जोर शोर से होने लगा, सुबह में घुमुट करके रखा पूरा एकदम गुमसुम करके रखा था वेदर को, बादल किया लेकिन गर्मी भी हम देते हैं। और अभी कर दिया जोर से धमधमा के बारिश, और इधर का रास्ता भी खराब, पापा है आइए, इसीलिए नहीं आ रहे थे इधर में, इतना बारिश रास्ता खराब इसलिए नहीं आते हैं। आपका पापा क्या, हम पापा हैं, हमको नहीं आता सब बैग में दे दो उसका, वो नहीं पी पाएगी गर्मी में, दवा चाय बिस्किट खेल लिया, ठंडा चाय पिला से कथन नहीं होने क्या दे देखो इसको भी हमको पीना है यहाँ आती है तो यही होता है, टिफिन बस अपना लेके आई थी, उसमें फ्रूट्स लेके आई थी, पूरा फ्रूट अच्छा, उसके बाद एप्पल भी फिनिश होना चाहिए बात है पी रही है ना, तो चलो हम लोग पूजा वाला देखो तब तक क्लिप, हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं सब एक साथ है। Yeah.
तो मम्मी के घर से सीधे गए डॉक्टर के पास, जो कि दिखाना बहुत जरूरी था मायना को। तो मायना का दवा भी चेंज हो गया और फिर मायना को थोड़ा सा मतलब बड़ी हो रही है, तो उसका थोड़ा सा कैल्शियम का भी कमी हो जा रहा था, दूध पीती नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए कैल्शियम का भी दवा मिल गया इस बार, क्योंकि उसको हड्डी में पेन हो रहा था, स्कूल जा रही थी, थोड़ा चलना फिर निकलना भी ज़्यादा हो रहा था, तो शायद ज़रूरी था तो बोलने से मिल गया। मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करना, बहुत कपड़ा भरा क्योंकि आज बारिश ही हुआ, ऊपर से हम तो निकले थे यहाँ से जल्दी में, तो फिर तो सब मुझे घर में भरना था। और अभी आके दिखा के, और हम अपने लिए भी लिए क्योंकि मेरा कल से थाई का मसल में इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द हो रहा था थाई का पूरा मसल में, और आज तो खींच भी लगने लगा। जैसे भाई के साथ गए यहाँ से बाइक पे बैठने का, इतना जोर का थाई में खींच लगा ना कि मतलब रुक ही गया था थोड़ा देर के लिए पैर लेके, फिर मसल को इस तरह से थाई का मसल को फिंगर से दबा दबा के ठीक किया, तो फिर पैर को फोल्ड करके रख पाए। तो ऐसा सीन मेरा भी जा रहा है, मतलब इतना घर का काम में बिजी हो जा रहा है ना कि खुद के लिए सच्चे में अब टाइम नहीं मिल रहा है। मायरा के पीछे भी बिजी हो जा रहे हैं, कल से मैडम का एग्ज़ाम स्टार्ट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो कि हाफ एग्ज़ाम उसका शुरू है, तो वो सब उसका पढ़ाई का अलग से, कल से ओरल, मतलब ये जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है पूरा मंथ को ही पूरा पढ़ाई में डुबा दिया है, कि एक दिन भी ब्रेक मारेंगे तो लगेगा कि शायद हमारा अगर किसी दिन बदमाशी का मूड में आ गई तो फिर तो वो भी पढ़ा हुआ चीज़ भी नहीं बोलेगी। तो रेगुलर एक तो प्रैक्टिस कराना ज़रूरी जो होता है वैसा वाला हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ में चार दिन ओरल, फिर इतना गर्मी लग रहा है, और इंड का फिर से, इंड का जो लास्ट वीक है उसमें फिर से रिटर्न एग्ज़ाम, मतलब शांति किधर भी नहीं है, बीच में पड़ गया है तीज, मतलब ये मेरा ज़िंदगी सच्ची में तहस नहस हो गया। मेरे डॉक्टर जी पूछ रहे हैं आपका फैशन डिज़ाइनिंग कैसा चल रहा है, डॉक्टर को पता है मेरा जो जब स्टार्टिंग में उधर गए थे तो बोलते थे कि नींद नहीं होता था, आप नींद का दवा नहीं दीजिएगा हमको, फिर बॉडी में पेन रहता था, बोलते थे करती क्या हो, तो बोले कि हम भी काम करते हैं, तो काम करते हैं इसके लिए, ये भी तो मेरा काम ही है ना, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा घर का काम करके मुझे रेडी होकर बनाना पड़ता है, कभी कभी दो घंटा तक खड़े रह जाते हैं, कभी कभी तीन घंटा खड़े रह जाते हैं, आजकल तो नहीं सकते, तो देखते हो मेरा रील्स आजकल देखोगे बैठा हुआ हम रील्स बनाते हैं, हम बैठ के बनाते हैं कि एकदम नहीं हो पाते खड़ा, और ना तो ज़्यादा देर बैठ भी पाते हैं, मतलब दोनों में ही मेरा प्रॉब्लम हो गया अभी, इतना मतलब थक जा रहा है ना कि क्या ही बोले। ऊपर से जो मेरा पैर का एड़ी में जो प्रॉब्लम था उसका भी बोले इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, जो कि मुझे स्किन का ही डॉक्टर अब दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से बोले वो, तो फिर हम अलग से जाएंगे नहीं, जो दवा पहले खा रहे थे उसी दवा को फिर कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि जो डॉक्टर के दिखाए थे स्किन का वो भी बोले थे कि इसका थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, तीन महीना दवा खाने के बाद सब चीज़ कर लिए स्टॉप हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़े ऑइंटमेंट लगाना उसका, और उसका और एक दवा था लगाना, जैसे ही छोड़े वैसे ही पैर का एड़ी में पूरा खुजली होने लगता है और वो पूरा फटने जैसा लगता है, तो वो एक एलर्जी हो गया, तो उसके लिए भी फिर से वो भी बोले, आज भी मेरा जो बाबू को दिखाते हम लोग भी दिखाते वहीं, वो डॉक्टर बोले कि इसका फिर से लॉन्ग ट्रीटमेंट तुमको करना पड़ेगा टाइम देकर, तुम स्किन का ही दिखा लो, तो बोले चलो वही ठीक है, फिर से दोबारा दवा चालू कर लेंगे, क्योंकि जब भी ऑइंटमेंट देते हैं तो स्टॉप हो जाता है देख रहे, और ठीक जब खुजली वाला जैसे ही ऑइंटमेंट देते हैं तुरंत खुजली स्टॉप हो जा रहा है, जिसका मतलब मुझे कंटिन्यू इसी को ही रखते हैं, और ऊपर से मुझे भी दवा मिल गया, मुझे भी कैल्शियम का, बोले कि एक तो हम मैंने हम वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा कैसा चल रहा काम, तो हम बोले क्या काम चलेगा, जिंदगी बर्बाद हो गया यहाँ पे, काम क्या चलेगा, पूरा वीडियो बनाना जैसा लगता है हम छोड़ दिया यहाँ पे, जब तक मतलब बीच में एक आध दो दिन खाली रेडी हो रहे हैं रील्स शूट कर रहे हैं, वही रील्स डालते जा रहे हैं, तो फिर डालते जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं खत्म हो गया तो फिर बनाने जा रहे हैं, क्या चलेगा, इससे चलता थोड़ी ना, मुझे लगे रहना पड़ेगा, लेकिन हम लगे रह नहीं पा रहे, हम अकेला सब चीज़ मैनेज करते करते मेरा फट जा रहा है पूरा, हम एकदम नहीं सक रहे, मतलब ना ऐसे रोना आ जा रहा है मुझे, अब रोना आ जा रहा है, मुझे खुद के लिए ना टाइम नहीं हो रहा, सुबह से हेयर वॉश करते हैं ना तो हेयर मेरा भींगा का भींगा अंदर ही अंदर इसी तरह लपेटा हुआ सूख जाता है, कम करने तक का टाइम नहीं मिलता, और सुखाने का तो छोड़ ही दो, तो फिर और चीज़ छोड़ दो, बस खाना बनाते टाइम जैसे भी हो, दोपहर का खाना 4 बजे खाने बैठते हैं, बस भाई पूछो इसमें कोई सुनेगा बोलेगा करती क्या, जो करते हैं वो मुझे ही पता है, क्योंकि मुझे तो ये सब हुआ, वैसे भी काफ़ी दिन हो गया था डॉक्टर के पास, हमारा मन ही नहीं गया था तो इसीलिए मन ही चला गया।
खुद का जमाया पैसा पूरा 2000 रुपया देके आए। देखा जाए मेरा भाई बोला क्या तू इतना दवा खाएगी, अरे एक ही पत्ता लेते, बोला हम होते तब तो एक ही तो पत्ता लेते, इसी को हम एक महीना चलाते। अब बोले कि प्रॉब्लम मुझे हो रहा तो मुझे चाहिए, जरूरत है दवा का तो मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे अंदर जो हो रहा है वो हम जानते हैं अंदर कितना तूफान मचा पड़ा हुआ है, सब हिला हुआ मेरा दिमाग, मेरा खोपड़ी, मेरा शरीर, मेरा जो फोकस था वो सब मेरा हिल गया, लग रहा है कि हम काम वाली बाई बन के रह गए पूरा। सो चलो अभी मुझे भूख भी लग गया है और मुझे फिलहाल अभी एक रोटी बनाना पड़ेगा शायद, देखते तो अमेरा के लिए उसको खिलाएंगे फटाफट, टाइम भी हो गया ज़्यादा। अंदर ठीक हो रहा, मुझे भी हो रहा था स्टार्टिंग जब स्कूल जाना शुरू किए थे इसके साथ, मुझे भी होते जा रहा था, अंदर से खांसी हो रहा है पूरा बैठ जा रहा गला वाला, फिर देख रहे ठीक हो जा रहा, फिर देख रहे छींक आने लग रहा है, तो फिर बुखार, इसीलिए इस बीच में इस समय हालत हुआ था, बुखार हो जा रहा है जो तो हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है तो कभी देख रहे एकदम नहीं सक रहे, शरीर नहीं चल रहा है, इस हालत में भी पूरा जितना जिम्मेदारी होता ना मेरा अंदर दीवार के अंदर सारा चीज़ मुझे करना पड़ रहा था और इसीलिए मेरा बैंड बज गया था। सो अभी हम पूरा एकदम मन से हिम्मत से आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर दिए, ब्लॉग मेरा बन भी गया, कैसा लगा बताना है, होप अच्छा लगा होगा। अभी हम ज़्यादा कुछ कंटिन्यू बोल दिए थे, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरा लाइफ में क्या क्या हो रहा है जिसलिए हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताओ, जीने का मन नहीं कर रहा है पर जीना चाहते हैं क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, इसीलिए मुझे जीना है, या फिर हम इसे लाठी लेकर हम जिए या फिर हम घिसर घिसट के जिए, लेकिन मुझे जीना है इसके लिए। तो चलो ब्लॉग बनाते थे तो ब्लॉग बनाने से मुझे खुशी मिलता है, बादल भी बहुत आवाज़ कर रहा है, ब्लॉग बनाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और क्या होता ना किससे लगता है कि हम किसी के जरिए जुड़े हुए हैं, नहीं तो अकेला लगता है ना तो एकदम ना हम बोर हो जाते थे, तो ब्लॉग हम इसीलिए शुरू किए थे कि हम अकेला भी ना लगे हमको, सारा दिन काम करने के बाद भी लगता है कि नहीं हम है बात करेंगे किसी से, मेरा वीडियो कोई देख मतलब मेरा बात कोई सुनेगा, नहीं होता कि चलो मेरा ऐसे फ्रेंड बन जाएगा, मेरा सारा फ्रेंड तो कहाँ कहाँ खो गया पता नहीं, कुछ है भी तो सब बिजी है, सबका शादी हो गया ना तो अब सोच लो ऐसे रील्स नहीं निकला अभी, मेरे वीडियो को जो लाइक और फॉलो नहीं करेंगे मतलब मेरे यूट्यूब को जो सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे ना और शेयर नहीं करेंगे उसको मैं श्राप देती हूँ तुम्हारी भी शादी हो जाए तो फिर पता चलेगा कैसा होता है बेकार लाइफ शादी करना। तो चलो ये सब टीका वीका मम्मी लगाई है तो लुक चेंज लग रहा है इसीलिए, और भी काला दिख रहे हैं क्योंकि पसीना सूख सूख के सब बेकार हो गया। तो चलो भूख लग गया अभी बहुत ज़ोर का भूख लग गया है, खाएंगे बर्तन बर्तन खाएंगे, आज खाना बनाए थे फिर से मंडे था तो बनाए थे मीठा पुलाव गोभी आलू का सब्जी पोस्तो और काजू पीस के बहुत मस्त बना था, और चलो दिखाते थोड़ा सा ठंडा हो गया मेरा खाना पर हम इसको कोई गर्म नहीं करेंगे मैं ऐसे ही खाएंगे। तो किसको किसको पानी आया देख के बताओ, और बना हुआ है खीर, खीर मेरे लिए किसके से बचा पता है, इसको अभी ठंडा करेंगे फिर खाएँगे, थोड़ा सा खीर बचा हुआ भाई खाया बाबू खाया, बाबू को टिफिन में पैक कर दिए और मेरे लिए थोड़ा बचा हुआ, और मम्मी के घर में पूरी बनाए थे तो हम मम्मी को खाने का मन करता लेकिन मम्मी बनाती नहीं क्योंकि मैदा सानने में उसको अस्कट लगता है और इसीलिए, तो फिर हम ही लास्ट में जब बोले उस टाइम हम ही बैठ के बनाने शुरू कर दिए, हम ही बनाए, फिर हम अपने लिए चार पूरी भी लेके आए हैं तो चार पूरी खाएँगे उसके बाद खा के नहा के पहले नहाएँगे, और मुझे बर्तन वर्तन भी क्लीन करना नहीं थे तो देखो सब कैसे फैला पड़ा हुआ है बाबू, तो सोचो कितना कुछ का दायित्व तो लेना पड़ता है मुझे, मेरा अकेले का जिम्मेदारी नहीं है, मुझे बहुत सारा दायित्व लेना पड़ता है, ऊपर से मेरा ओवन पे दूध गिर गया है गलती से गिरा, आज बहुत सारा मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ कट गया नाइफ से देख सकते हो, पूरा नाइफ इसके अंदर घुस गया था तो निकाल लिए फटाक से तो बच गया, खून बहुत निकल गया था पर डीप हुआ एक जगह साइड से चीरा लग गया बहुत ज़्यादा, ये हाथ कटा दूध गिर के पूरा, ये पहले तो एक पैकेट दूध तो ऐसे ही फटा हुआ दे दिया दुकान वाला, दूध ऐसे ही वेस्ट हो गया पूरा गिर गया बेसिन के पास, उसको क्लीन किए पूरा किचन का टाइल्स मार्बल पे गिरा वहाँ पे, उसके बाद ओवन के ऊपर में दूध गिरा, जैसे ही हाथ कटा उसी टाइम दूध गिर गया संग संग, इधर हाथ कटा इधर ध्यान गया हो मेरा हाथ कट गया, गोभी काट रहे थे गोभी काटते काटते इधर से उस पर कब घुस गया, पिल्लू के वजह से थोड़ा देख देख के काट रहे थे, इस चक्कर में इधर से उधर हाथ में घुस गया वैसे ही दूध भी गिर गया, उसके बाद से ओवन को जो पोछेंगे मेरे हाथ में टाइम नहीं था उसी के ऊपर बनाते बनाते खाना पूरा सूख के दूध सूख के जल गया है, उसको वो भी भिगाएंगे पानी में रगड़ रगड़ के क्लीन करेंगे, एक बजेगा डेढ़ बजेगा मायरा को खिला कर सुला देंगे, सारा क्लीन करके फिर सोएंगे, जो कि यही मेरा धर्म है यही मेरा पूजा है यही मेरा कर्म है भगवान मुझे थोड़ा अच्छा सा घर में इसके बाद जन्म देना जहाँ पर थोड़ा सा सुख हो, बहुत खटाता है मेरे से मेरा भगवान, सही बात है सबका सुनने का टाइम में ठीक सुनते, मेरे टाइम में एयरफोन लगा के बैठते भगवान जी
दोस्तों कैसा लगा व्लॉग आप लोग बताना, और बहुत कुछ सोच के रखते हैं ऐसा ऐसा कंटेंट शॉर्ट वीडियो बनाए, मेरा वीडियो नहीं जा रहा है अभी आजकल, व्यूज़ अच्छा नहीं जा रहे हैं, बहुत डाउन जा रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसीलिए तो बहुत सारा सोच के रखे। लेकिन क्या होता ना कि साथ वाला जो होता है ना, मुझे कोई ना पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स नहीं देता है, सब लगता डाउन करके चला जाता है मुझे, तो इसीलिए आप लोग मुझे बहुत सारा मोटिवेट करो ताकि हम अपना जितना भी कंटेंट माइंड में बहुत सारा घूमते रहता है, ऐसा बनाए वैसा बनाए, नहीं हो पाता उसके बाद ना, ऐसा लगता ना कोई आके ये काम बोल दिया, कोई वो काम बोल दिया, उसके बाद देखते कि ये काम पड़ा है, उसके बाद लगता है क्या ही फ़ोन से सारा दिन फ़ोन पड़ा रहता है, रात को जब काम खत्म हो जाता है, जब रात का खाना खाने जाते हैं ना, उस टाइम बैठ के 5 से 10 मिनट खाली फ़ोन देखते होंगे थोड़ा सा, बस उतना देरी, उसके बाद तो फिर बाबू आ जाते हैं, बाबू आ जाता तो हम फ़ोन पूरा बंद करके रख देते, एकदम नहीं देखते उसके बाद। तो ये मेरा रूल है, तो सारा दिन मैं ऐसे ही देखते, बीच में सुबह में थोड़ा टाइम मिलता था एक आधु पोस्ट करते या फ़ोन ऑफ करके रख देते, मतलब नेट ऑफ किए रख दिए, ऐसा मेरा सिस्टम चलता है। तो क्या करें, लेकिन अभी तो लगता है कि टाइम निकालो, क्योंकि मेरा डॉक्टर भी मुझे बोले कि दोस्त ऐसा थोड़ी ना होता है, अपने लिए भी टाइम निकाला करो, जानते हैं पर होता नहीं कि कोई बोल जाता तो अच्छा लगता है कि नहीं सच में हम अपने लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उससे किसी किसी को अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। अब मेरे डॉक्टर जी को खुशी मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मोटिवेट बहुत करते हैं, हमारे को कुछ भी हो जाता है हम डरे हुए रहते हैं, जाते हैं ना डरे हुए, तो इतना अच्छा से बात करते हैं, तसल्ली देते हैं, इतना तसल्ली घर वाला भी नहीं देता होगा कि हाँ रुको ठीक रहो, बच्चा को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। मुझे एक बार सब डरा दिया था कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, मतलब ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, स्लाइन देना पड़ेगा, और मेरे हाथ में चैनल लगा हुआ था, वो सारा चीज़ हम फील कर सकते कि उसके हाथ में वो सब होगा, और भर्ती मतलब 2 दिन के लिए हम उसको लेकर भर्ती वाला चीज़ से बहुत डर लगता है मुझे, उसका लूज मोशन स्टार्ट हो गया था, फिर हम छोटी थी, न्यू बॉर्न थी, पूरा इस टाइम पूरा डरा देते, पूरा रो दिए थे बैठे बैठे, जिस हालत में पड़े हुए थे उस हालत में उठ के दौड़ते हुए पापा के साथ पूरा डॉक्टर जी का घर चले गए थे। घर जाके जैसे दिखाया बोले कहाँ कुछ हुआ है, तो ठीक ही तो है, इसको खाली जाके ORS का पानी पिला दो। अरे वो एक बूंद ली थी, एक ड्रॉप दिए थे बूंद, वो ली, उसके बाद उसका कोई ना पॉटी वाना कुछ हुआ, वो ठीक भी हो गए, मेरा तब से डर खत्म हो गया, उनको कुछ भी होता वहीं जाते या फ़ोन कर लेते। तो ऐसा लगता कि खुद के लिए टाइम निकाले ना तो वैक्स करवाते ना फेशियल ना कुछ नहीं, लेकिन कल हम खुद के लिए टाइम निकाले थे, लेकिन फिर से जो बॉडी का हालत है ना, बहुत बहुत पेन है मेरे पूरे बॉडी में, कुछ नहीं कर सकते, जिम्मेदारी है हमें, तो चलो फाइनली अपना काम को अंजाम देते हैं, मतलब मेरा जो भी काम है हम उसका अंजाम दे दे जल्दी से, हम बहुत थक गए थे बाबा मुझे देख लो कोई, तो चलो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सभी के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग इस ब्लॉग में मुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो, और किस किस को अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना सो आप लोग भी बताना, तो फिर लगता है कि हम सच्ची में रेगुलर हम वीडियो बनाएं, अगर हम 5 मिनट का भी बनाएं ना तो हम रेगुलर बनाएं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो, पहले के जैसा एनर्जी बिल्कुल नहीं रहा मेरे में, तो आप लोग मुझे खड़ा कर सकते हो पहले के जैसा, हम थक गए सार दिवाड़ी में, मुझे कोई निकालो, मुझे यूट्यूब पर वायरल करो। तो चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तुरंत ही, और लाइक कर दो जल्दी जल्दी।